भैया ने गिरा दिया मोबाइल पानी में। खाने में चटांग खाने के एक मिनट हेलो तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और इस ब्लॉग में। इस बार मैंने पहली बार मेरा फेस रिवील करा है, हो सके तो आपका सपोर्ट चाहिए और मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ खेती भी सीख रहा हूँ धीरे, तो आप ज़रा मेरे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आए थे हमारा खेत बखरने और काम तो आप देखिए आगे कैसा होता है। और गर्मी बहुत हो रही है, आपकी इधर कैसी है ये बताओ। इधर तो भैया 40 में 45 डिग्री है, ठीक है। और मेरा मोबाइल भी ज़रा वो कर रहा है, आटा करा बोले तो ऑटो रन चल रहा है, इस वजह से मैं ज़रा छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊँगा और शॉर्ट्स पे भी बनाऊँगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकन ऑन कर देना है सब्सक्राइब के बटन के साथ, और आप मेरे मित्र बन जाओगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी कारोबाई बिट एम्पायर ऑफ केसी। भैया ने गिरा दिया मोबाइल पानी में, ये बेचारे उनका भी सुखने रखा है। तो मैं आता हूँ गमछा लेने, गमछा लेके फिर पानी पी के अपन एक बार जाएंगे हनुमान नहीं रहता, ठीक है। स्लिप मारते हुए जमीन इतनी कड़क है कि बेचारा ट्रैक्टर ही क्या करेगा। कितनी कड़क है जमीन वो। एक तो बेचारा भैया का पानी में गिर गया मोबाइल। लाल पाउडर, लाल चंदन वाला।
मोबाइल पे नहीं ज्यादा नहीं बता रहा क्या कर सकते हैं, जमीनी टिकट है तो अपन क्या कर सकते हैं। ये एक बिल्डर्स राइट विंडो बोनट ते बच्चे होया जी दे फेर सोनिए चारे पासे रोलो पै गया जदों आया गड्डा हाथ जोड़ के मुंडे तारे चल दे। बात मूवी पर जाती ना किराए का ट्रैक्टर अपन ट्रैक्टर में बहुत फर्क रहता है, क्या बहुत ही ज्यादा फर्क रहता है अपन ट्रैक्टर किराए के ट्रैक्टर में। अपना है भैंस की टांग लगाओ नहीं चच्छे दबरत पर ये छोटा ट्रैक्टर भी टेका करती है कम हॉर्स पावर का जमीन हो रही है मई के महीने में कड़क, इस वजह से कल्टीवेटर जो है दबके नहीं हो रहा। ऊपर से भैया ने सवेरे सवेरे नुकसान करवा लिया वो अलग, एक तो उनका पंजा टूट गया यानी कल्टीवेटर का और दूसरा मोबाइल, तो इसके अलावा बेचारे भैया क्या करेंगे। वो भैया निकले थे 5:30 बजे के, हम लोग आपको पता मगर ये जो कांड हो गया इसके वजह से बहुत लेट हो गया। खैर ये तो हो जाएगा, साथ में ये एक और चीज़ लेके आया था, ये है मिनी स्पीकर, करेंगे इसको कनेक्ट और बजाएंगे तो करते हैं। भैया कागज तो भैया आधे लोगों के बनते हैं, हमारे कागज देखो एक बार सीधे, हाँ ये वाली लाइन छोड़ के बाकी उधर सीधे सीधे जा रहा है लगभग लगभग ये सीधे ही जा रहे देगा हमारा प्रो ड्राइवर है, चैलेंज देता हूँ मैं तो क्या दूंगा चैलेंज आप। मरने से मैं कभी चलता है तेरा यार तो मोटे नाल मुंडा जो खड़े यार।
ਅਕਲਨੇ ਲੋ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰੱਖੀ ਪੜੇ ਅੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨੇ ਫੇਰੀ ਛੱਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਕਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਲੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਕੋਮ ਮਾਰੀ टीम जो कि कीड़े खाती है और किसान के मित्र भी बोल सकते हो और आप दुश्मन भी, कुछ किसानों की जो रहती है दुश्मन रहती है ये, बाकी बेचारी उनका तो कोई दोस्त नहीं रहेगा, कहाँ धरती उनकी लिस्ट है। खैर इधर पेड़ पौधे लगाएगा अपन जल्दी, जरा एक बार अपन नए नए हैं इधर उनको व्यवस्था रखेंगे। पेड़ उगाया था मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखेगा या फिर मैं क्लिप एड कर दूंगा, मगर वो बड़े बड़े घास हो गए तो उसमें दब गए, तो दबे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है। हाँ वो उस बार एक ही सीजन की फसल हुई थी, हो सके इस बार दो सीजन की हुई तो थोड़े और हो जाएगी, ठीक है। और बाकी और बने रही है मेरे साथ। अब ये ट्रैक्टर यहाँ से फ्री होने के बाद जाएगा दूसरे के खेत पे, हमारे साथ ये जाएगा। ये भैया का बेचारे तो नींद आ रही है रात, मतलब रोज लगातार काम पे जा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं उनका, और ट्रैक्टर चला रहे तो नहीं नींद आएगी। आज पाँच छः तीन घंटे तो यहीं लग गए तो कितने घंटे सोचोगे बेचारे, गर्मी ने अलग मारा है इनको, इनको क्या सबकी बैंड बजाइए, इसलिए बोलते हैं आप पेड़ लगाओ। हाँ वो बात अलग है, हर कहीं पानी की सुविधा नहीं होती और हर कहीं नहीं, मगर लगाना चाहिए घरों में तो तुलसी का पौधा लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। जितनी आपके पास जगह वो ऑक्सीजन 24 आवर देती है, मैं सुना है पक्का नहीं मालूम, बाकी मैं आपके तो देख रहा था, मगर ये जो है ये टीम ढंग से काम नहीं कर रही ना, ये दिख रही है आपको, तो मैं जूम करके बता नहीं सकता, ठीक है। और मेरी बात फेस रिवील है, साथ वाले दिखेंगे भेजा मजा ट्राई करते हैं, लोग बोलते हैं वीडियो ਬਥੇਰੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰ,
ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਖੇਡ ਮਕਾਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਟੋਪ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੇ ਸਾਨੇ ਇਹ ਸਾਂਭਣੀ ਲੰਡੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ I'm gonna go to the hospital.
ख़त्म होने वाला है, यानी लगभग ही गया है, एक कावा तो रह गया है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ, या फिर बीच में अगर कुछ आएगा तो मैं वो भी दिखा दूँगा। ठीक है, अभी बोरिंग है मैं जानता हूँ, मगर हो सकता है आगे जाके मैं